राम राम जी, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। वैसे तो भाई मैं व्लॉग हफ्ते में एक डाल रहा था ना, वो भी किसी डेस्टिनेशन पे, क्योंकि अभी 75 हार्ड चल रहा है। शॉर्ट्स मेरे डेली आ रहे हैं, जिसको नहीं पता वो मेरे शॉर्ट्स देख लेना भाई और इंस्टाग्राम पे जाकर देख लेना। चलो भाई ये बात रही साइड में, आज व्लॉग मैं क्यों बना रहा हूँ बीच में एकदम सडनली, उसका भाई एक रीजन है यार। पिछले कुछ टाइम से ना, अभी कुछ छोटे टाइम पीरियड में ही हमारे जिम के बारे में ना कुछ बातें उड़ रही हैं। तो भाई जब जिम मेरा व्यवसाय है, जिसके कारण हम काफी टाइम से चल रहे हैं इसको साथ लेके हम, और मतलब एक मेरा घर है ये चीज, ठीक है, उसके बारे में कई बातें उड़ेंगी। तो हमारा फर्ज बनता है व्लॉगिंग करना और व्लॉग में बताना लोगों को, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज ना रहे ना, वो सारी बात क्लियर करना। तो भाई हवा क्या उड़ रही है, कुछ कुछ मतलब कुछ क्या इक्का दुक्का बंदे ने क्या खबर फैलाई है कि भाई ये जिम बिक रही है, मसल सिटी जिम भराड़े वाली जो बस स्टैंड के सामने है वो बिक रही है, और मुझ पे ना फोन कराए जा रहे हैं, या तो जानबूझ के कह लो या किसी छेड़ने के लिए, व्यक्ति को किसी को छेड़ने के लिए ना, तो मुझ पे फोन कराए जा रहे हैं ये दिखाने के लिए भाई आपकी जिम बिक रही है। मुझे फोन पे लोग ये कह रहे हैं, तो मुझे वीडियो बनानी पड़ी भाई। क्यों क्यों किसी को दुविधा में रखे? और भाई ये कौन कह रहा है वो मैं बताना चाहता नहीं, क्योंकि मैं इतना इंपॉर्टेंस किसी को देता नहीं। और आपको बताऊं, जो ये कह रहा है ना, जो ये मतलब बात फैलाई है जिन्होंने, मैंने आज तक उन्हें देखा भी नहीं। सच बता रहा हूं मैं आपको, जानता हूं बस, देखा नहीं भाई, फेस में पहचानने का नहीं कि अच्छा ये वो था। सच कह रहा हूं मैं आपको, मैं जानता नहीं भाई कौन है। तो भाई बात ये हो रही है कि हमारी जिम बिक रही है। हाँ भाई जिम बिक रही है हमारी, तेरे विचार है फ्रेंचाइजी खुलने वाली, आप भाई यार ये कह रहा फ्रेंचाइजी खुलने वाली है एक और जिम की, और ये कह रहा बिक रही है। तो भाई क्या कहा जाएगा, क्या करा जा? हेडक्वार्टर कभी नहीं बिकता। तो भाई ये कह रहा हेडक्वार्टर है अपना, ये हेडक्वार्टर कभी बिक नहीं सकता। सही बात तो वैसे कह रहा है। और दूसरी बात भाई ये है, चलो फ्रेंचाइजी की बात अलग है, आपको पता है हमारी अभी एक फ्रेंचाइजी है दो सड़का में, दो जिम की ब्रांच है अपने की, तीसरी का आगे देखो इसने अभी ओपन कर दिया कि भाई खुलने वाली है, तो देखो अभी। तो बाकी भाई मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, इस टाइम कोई मतलब बंदा ये मत समझना कि भाई ये बड़े ईगो में घमंड में बोल रहा है। बताऊँ क्या बात होती है, अगर तुम किसी का चेड़ नहीं कर रहे ना, तो तुम किसी का चेड़ सो भी ना। सही बात है, ये सिर्फ व्लॉग बनाने का मेरा मकसद ये है, मैं कुछ ना लंबा व्लॉग नहीं बना रहा, सिर्फ मेरा मोटिव ये है कि बताने का कि जो बंदा ये बात बोल रहा है, उसने बोला कि भाई ये जिम भी करी है, पूछो पूछो मुझे फोन कराए जा रहे हैं, मैं सिर्फ ये बात बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि उस बंदे की वीडियो पहुंच जाएगी और मैं जानता नहीं वो है कौन, क्योंकि मुझे किसे मतलब लेना होता नहीं यार। भाई मैं जिम बेच नहीं रहा, पर ये जिम मैं तेरे लिए बेच रहा हूँ, तेरे लिए। तुमने लोगों को कहा होगा ना भाई, उससे पूछ लो वो बेच रहा नहीं बेच रहा, मैं ये जिम तेरे लिए बेच रहा हूँ, तुमने खरीदनी है आ, ऑफिस में बैठ आराम से, प्रेम प्यार से तुझे बिठाऊंगा, चाय भी पिलाऊंगा तुझे, बिस्कुट भी खुआऊंगा तुझे, और तू सौदा मार, तू सौदा मारने वाला बन। ये फोन फान करा के बन जो काम करे, क्या कर रहा है? तेरे पे टाइम है तेरे फोन फान कराने के, ये बच्चों वाले काम करने के, मेरे पे इतना टाइम नहीं है। तो भाई तू सिर्फ तेरे लिए जिम नहीं बिक रही अपनी, जिम नहीं बिक रही, पर तेरे लिए बेच रहा हूं सिर्फ। तू खरीद, अगर तू खरीदार है ना तो आ, अगर तेरे में हिम्मत है, सीधा बोल रहा हूँ। अब जो भी लड़के को वो ये बात बोल रहे ना, उसकी जिम बिक रही है, उसे कह रहे हैं ना भाई उसने वीडियो में कहा तू आ खरीद, तो तू आके खरीद, अगर तेरे में हिम्मत है तो, अपना तेरे अंदर सहारा है ना, तो तू आके इस जिम का सौदा मार और खरीद, तेरे लिए बेच रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ। बेचने नहीं वैसे हम जिम बिकने रही, पर तेरे लिए खुलेआम कह रहा हूँ, तेरे लिए बेच रहा हूँ, तू आके इसको खरीद, सौदा मार। मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी जो बिल्डिंग है, मेरा जो अंदर सेटअप है सारा, इन सब का जो वैल्यू होगी ना उस पे सौदा लगेगा। ये नहीं कि तुझसे कुछ एक्स्ट्रा मांग ली जाएंगे, नहीं, जो जिस चीज की वैल्यू होगी आज के टाइम के अकॉर्डिंगली, उस टाइम के अकॉर्डिंग सौदा लगेगा। मैंने वीडियो बनाने नहीं दी भाई, पर आप मानोगे, मेरे पे आज भी फोन आए, मैं कहा यार चले वीडियो बनाई दें फिर, और फोन आज के नहीं, फोन मेरे पे आ रहे हैं पिछले एक हफ्ते से। मैंने ब्यूटी पार्लर में इग्नोर मार रहा था, क्योंकि यार ये काम नहीं है अपने, पर जब कहते हैं ना जब पानी सिर से ऊपर चला जाए तो बंदे को कुछ बोलने पड़ता है, तो मखा जब वो आगे किसी बंदे को बोल ले, वो बंदा ये वीडियो देख के कह दे भाई उसने तो कह रखा तू खरीद, तो भाई तेरे लिए बोल रहा हूं, तेरे में हिम्मत है, तेरे अंदर सारा है,
तू आ सौदा मार और खरीद, तेरे लिए बेचनी काट दी मैंने, खरीद अगर तेरे में सारा है, वरना चुपचाप बैठा रहे, ठीक है। जितने की तेरी जो तेरा बिजनेस है ना, मैं कुछ खुल के बोलना चाहता, ये नाम ले दें, पर जो तेरा बिजनेस है ना, और ये जो बात मैंने बोली है कि भाई मैं अपने तेरे लिए बेच रहा हूँ, ये बात तू बोल दे एक बार बस, कि भाई मैं भी उसके लिए बेच रहा हूँ सिर्फ, और वो आ असद्दा मार, एक बार बात बोल दे बस तू, जो तेरी वैल्यू होगी उस चीज की। और कोई भी बात ये मत समझना भाई घमंड में बात बोल रहा हूँ, घमंड आपको पता है व्लॉगिंग कर रहा हूँ 1.5 साल से, कोई ऐसा घमंड नहीं है, सिंपल लिविंग जीतता हूँ, सिंपल उसमें रहता हूँ, कोई ऐसे सोशेबाजी नहीं करी आज तक भी कि भाई कुछ आपको एक्स्ट्रा दिखा दिया, कुछ आपको वो दिखा दिया, भाई मैंने कार खरीद ली वो खरीद ली, सिंपल है भाई अपनी लिविंग, ठीक है। तो ये बात छोटी सी बतानी थी कि भाई तेरे लिए कर रहा हूँ, तूने खरीदनी है तो आगे खरीद और सौदा मार, ठीक है। ऐसे फोन फान ना करा, ये बच्चों वाले काम ना कर, सीधा बात कर ले यार, मेरा फोन नंबर है, सब कुछ है, सीधा फोन मार मुझे, सीधा बात कर मेरे से, क्यों डर रहा था, क्यों डर रहा था ना, हमें तो कोई ऐसा मंशा थी नहीं, हम तो सीधा तेरे वीडियो में बोल रहे हैं कि भाई अगर तुमने बेचनी है, अपना बिजनेस बेचना है, उसके लिए कभी बुला ले, कभी भी, आज बुला ले शाम, आज शाम सौदा मार देंगे, हम मैं कह रहा हूँ तेरे में सारा है ना, तो आ जा भाई, प्रेम प्यार से कह रहा हूँ तुझे मैं, कोई पुरानी बात नहीं करूँगा, कोई कुछ नहीं कहूँगा, कोई ऐसा नहीं कहूँगा तुमने ये बात क्यों फुलाई, तो प्रेम प्यार से आइयो, सीधा बात करियो, हाँ जी खरीद रहे हैं भाई सब, बोलो क्या एस्टिमेट है, एस्टिमेट बनाएंगे, सीधा बताइयो भाई उस दिन रजिस्ट्री कराने, उस दिन ये कराना, सीधा करेंगे, और बता सिर्फ तेरे लिए, ठीक है। और भाई जो अपने चाहने वाले हैं, हमारे साथ चाहने वाले ही हैं, चाहे कोई मेरा बुरा क्यों ना चाहे, मुझे वो लोग फोन कर रहे हैं जिनका सालों में फोन नहीं आया मेरे पास, क्योंकि हेटनेस तो सब निकालते हैं, इनका सालों में मेरे पास फोन नहीं आया, दो दो तीन तीन साल से कोई फोन नहीं आया, वो मुझे स्पेशल फोन करके कह रहे हैं आपके जिम बिक रही है, अच्छा मैं कभी दुख सुख हाल चाल भी पूछ लो हमारा, ये बात है तुमने एकदम फोन, वो बस उसने कराया उनसे कि भाई करके पूछो, कचेड़ करो, तो कचेड़ करने फिर ढंग से करो, यूँ किसी के पीठ पीछे छुप के कचेड़ यूँ करने, खुलेआम करो, मैं तो खुलेआम करने को तैयार हूँ, कचेड़ खुलेआम कचेड़ कर, खुलेआम मैं कचेड़ करने को हूँ तैयार, ठीक है। तो भाई और ये बात समझ लेना, देखो यार मेरे अंदर ना किसी के लिए हेट है, ना मैं किसी को इतना मतलब रखता, अपनी लाइफ में मैं रहता हूँ मस्त, ना मैं कोई शोशाबाजी करता, ना मैं कोई किसी से घमंड करता, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं घमंड करने को, है नहीं मेरे पास कुछ घमंड करने को, अपना व्यापार कर रहे हैं बस, सिंपल बात बोलूँ, कभी सोचना भाई घमंड कर रहा है, देख कह रहा है आज सौदा मार ये कर, क्योंकि कोई खरीद नहीं सकता, मैं तो बोल रहा हूँ कोई खरीद नहीं सकता, इसलिए मैं इसलिए बोल रहा होगा भाई, इसी जगह कभी घमंड नहीं है, सिंपल लाइफ देता हूँ, ना कोई घमंड ना कोई शोशाबाजी, कभी कुछ करी नहीं, ठीक है। तो बस ये बात एक उस बतानी थी कि भाई आगे किसी को पता लगे तो वो वीडियो देख के समझिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई बंदा तेरे साथ कचेड़ कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मसल सिटी जिम ना साले, तू मेरी ब्रांच खरीद के दिखा दे, एक मार रहा है, गुस्सा आता है ना जिस उस पर होते हैं व्यापार पे, और कोई ऐसे काम का बात बोल ले आपके लिए, और कोई बात करनी डायरेक्ट कर, डायरेक्ट किस बात का, हम तो डायरेक्ट करने को तैयार हैं तेरे से बात, ठीक है। तो बस भाई एक बात आप तक पहुंचानी थी, इसलिए व्लॉग बनाया था, और अभी कोई व्लॉग बनाने का मकसद नहीं था, क्योंकि अपना 75 हर्ट्ज चल रहा है, और जो लोग कचेड़ करते हैं जवाब देना था, तो ये जवाब दे दिया, कोई ईगो या एटीट्यूड मत समझना, आपको पता है सब सबके सामने होता हूँ मैं, कि मेरे अंदर कोई ईगो एटीट्यूड किसी चीज़ का है ही नहीं, सिंपल साधारण लाइफ जीतता हूँ मैं सिर्फ, डेट सेट, पर एक जवाब देना था इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। वो जवाब मिल गया, बात करने डायरेक्ट कर लियो भाई, ठीक है। तो भाई बस यही कर रहा है एंडिंग इस बात की, टाटा बाय बाय, सी यू, जल्दी मिलते हैं। अच्छा और एक बात और, अभी ना आप लोग अतुल को जानते हो, अभी अतुल को पता नहीं है बात, मैं अतुल से पूछता हूँ। हाँ भाई यो बता, कोई कह रहा है कि हमारी जिम बिक रही है, मुझसे तो नहीं कह रहा, नहीं कोई तुझसे नहीं, मुझे कह रहा है कि भाई मुझे फोन आ रहे हैं लोगों के काफी होंगे कि भाई आपकी जिम बिक रही है, हमें पता लगा, और किसी ने बात फैलाई है, तो बिक रही है हमारी जिम, है तो अब जो ये बात कर रहे हैं उन्हें क्या 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 जवाब दें उन्हें, फिर जो जवाब आपको देना बता, तो बता ना, तो इस जिम में है तू क्या कहना चाहता है, जो ये बंदा ये कह रहा है भाई आपकी जिम बिक रही है, जो हमारे लिए ऐसी नेगेटिव बातें बना रहा है, क्या कहें उसे, नहीं बिक रही है, नहीं वो तो पता नहीं बिक रही है, पर क्या कहें उसे, क्या जवाब दें उसे, क्या कहें,
और वो बत्ते फुला रहे, लोग उसे फोन करा रहे हैं, तो कुछ भी ना कहें, चुपचाप बैठ जाए, चुपचाप नहीं बैठना, बताना तो कुछ पड़ेगा इसे, क्या करें, तेरे जी में क्या आ रहा है कि ये कर दो, क्या करें बता, बता खुल कर, डर क्यों रहे यार तुम, तो कह रहे बताना तो उसे पड़ेगा ही, तो क्या कैसे बताएं उसे, क्या करें, उसे पूछो तो कौन आपसे भाई कहा है, कौन नहीं कहा है, अच्छा उसे पूछे फिर क्या करें, तभी तो पता लगेगा कौन कहा है, कौन वो ही कह रहा है अपने आप, वैसे ही हाँ वैसे ही कर रहा है वो, क्योंकि उसका धंधा चल नहीं रहा, धंधा हमारे चल रहा है, तो इसलिए कर रहा है वो, तो क्या करा जाए, क्या करा जाए फिर, कुछ तो करना पड़ेगा, क्या बता यार, आइडिया दे क्या करना पड़ेगा, छेद दें क्या, छेद दें, तो अच्छा तो भाई ये हाँ गिर देखा होता जो हम, तो भाई ये अतुल कर आए थे, इनका ट्रेनर है, अभी मैं इसको बुला के पूछूंगा ये बात, ये एक मिनट वर्कआउट कर रहा है जाने दो बाहर, हाँ भाई एक बात सुन, एक बात उठ रही आज फिर फोन आया मेरे पास, वही कि मैंने कहा आपको जिम भी करी है, कौन कह रहे हैं वो, तो चलो वीडियो में नाम लेना बाद में बताऊंगी, इसका फोन आया, मतलब फोन और फोन आ रहे हैं, अब तो हद पार होगी, पहले तेरे फोन तेरे आगे आया था, तो अब क्या करा जाए, बोल दो कि जो हमारी जिम की कीमत है, हाँ कुछ भी देंगे, तो दे देंगे, उसमें दे देंगे यार, बिक थोड़ा रही पर हमारी, अगर तू लेने वाला बढ़ गया जिससे भाई तू रेट लगा तो हम जो हमारी चीज का रेट है तो अपने दे देंगे, क्या दिक्कत है, यही जवाब दे जाए ना उसे, बस ठीक, अगर कहते तुझे अपने देने तब भी बता दे वो भी ले लेंगे, हाँ अगर तुमने अपने देने, देखा भाई हमारे जो बंदे हैं उनका ही हौसला इतना काट रहा, अगर तुमने अपने देने तो अपने बता देता हूँ, हम वो भी ले लेंगे, तो जो जो तेरा व्यापार है, जो भी उसका व्यापार है, देख ले भाई, देखो कौन कैसा सौदा मार ले, सही बात नहीं वैसे, ये बात सही कही वैसे, क्यों उसको समान समान के बताएंगे उसका, अरे छोड़ ना बात नहीं उतारे सुनने यार, ये बात आने सुनने यार, अरे नहीं तो सामान भी ले ले यार, क्या सामान हाँ तो सामान भी ले ले यार, क्या सामान है बता, क्या सामान है, समझ रहा है बात, फिर जो भी है टू शेड का सबके सौदा मार लेने दे यार, हां तो मार लाता बस लेने आ मान, वैसे हमने देनी है कि नहीं, हां पर तू तेरे वास्ते है, तूने लेने तेरे लिए, हां जो बात तब ला रहा है, ठीक है दोस्त, कह रहा हूं उस तक रिसेप्शन पे जो बैठे हो दोस्त, कुछ जो मेरी प्लान रेट है वो भी मेरे को पता नहीं है, गिर लौट जाएगा वहां, मैं उधर फिर ऊपर क्या, चलो छोड़ो यार ये बात नहीं करनी हमने, उसने